क्या BS MSc के इक्विवेलेंट है? इसका आंसर यस में भी है और नो में भी है। HSC के मुताबिक BS MSc के इक्विवेलेंट है, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, जैसे आगे MS में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज BS को MSc के इक्विवेलेंट नहीं मानती। मोस्टली जॉब्स में उन्होंने मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की होती है, तो जहाँ मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की होती है वहाँ BS वाले अप्लाई नहीं कर सकते। HEC ने जब BS को इम्प्लीमेंट किया, लॉन्च किया, उसके बाद HEC ने ये क्लैरिफाइड नहीं किया कि BS भी एक बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है BSc की तरह, क्योंकि US बेस्ड सिस्टम के मुताबिक है। पाकिस्तान के अंदर पुराना एजुकेशन सिस्टम जो है UK बेस्ड सिस्टम था, जब से पाकिस्तान बना और तब से लेकर जब तक BS नहीं आया तब से, तब तक पाकिस्तान के अंदर UK बेस्ड सिस्टम फॉलो हो रहा था। UK के अंदर भी पाकिस्तान की तरह 4 साल लगते हैं मास्टर कंप्लीट होने में, 3 ईयर्स बैचलर्स डिग्री के और 1 ईयर मास्टर के, यही कॉमन ड्यूरेशन है UK के अंदर। और इसी तरह पाकिस्तान में भी यही ड्यूरेशन ही 4 साल लगते थे मास्टर कंप्लीट करने में इंटर के बाद। तो UK के अंदर भी पाकिस्तान की तरह सेम ड्यूरेशन थी, लेकिन एक डिफरेंस जो है पाकिस्तान के अंदर है UK से सिस्टम के सिस्टम से, वो है 2 ईयर्स बैचलर्स प्लस 2 ईयर्स मास्टर है। 4 साल टोटल है UK की तरह, वहाँ 3 ईयर्स बैचलर और 1 ईयर मास्टर है, यानी कि बैचलर डिग्री की ड्यूरेशन पाकिस्तान में कम है और मास्टर की ज़्यादा है UK के कंपैरिजन में। अगर इन UK का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए तो BS को MSc नहीं बल्कि 3 ईयर्स BSc जो UK में होता है उसके बराबर इक्विवेलेंट वहाँ किया जाता है तसव्वुर। HEC ने इस इशू को क्लैरिफाइड किया नहीं है और कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है स्टूडेंट्स के दरमियान। HEC इम्प्लीमेंट कर रहा है अमेरिकन बेस्ड सिस्टम, लेकिन वो क्लियरली बता नहीं रहा है, वो बार बार इंटरनेशनल ही वर्ड यूज कर रहा है, इंटरनेशनल बैचलर्स या इंटरनेशनल ग्रेजुएशन इस तरह करके। वो ये नहीं बता रहा है कि ये अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक BS लॉन्च किया गया है, और इसकी वजह से बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन भी हो रही है। अब जाहिर बात है BS करने के बाद मोस्टली ज़्यादा तौर पे ग्रेजुएट्स अमेरिका तो जाएंगे नहीं, तो HEC ने इस चीज़ को क्लैरिफाइड नहीं किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाहिर बात है BS करेंगे। जब किसी को नहीं पता कि BS करके अगर अमेरिका जाना है तभी फ़ायदा ज़्यादा है, वैसे इतना फ़ायदा नहीं है। HEC ने इसी वजह से BS को MSc के इक्विवेलेंट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग BS करें और अमेरिका का सिस्टम फॉलो हो सके, और फिर लोग BSc और MSc करना छोड़ दें। अगर कोई जॉब के लिए BS करना चाहता है तो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के अंदर BS को MSc के इक्विवेलेंट तसव्वुर किया जाता है जहां वो अमेरिकन बेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और HEC को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिकन बेस्ड सिस्टम को अच्छा समझते हैं, इसी वजह से वो BS को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उसको मास्टर के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। वरना आजकल जॉब्स की रिक्वायरमेंट में डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत सी जगहों पे रिक्वायर्ड होता है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में नीचे अपना क्वेश्चन मेंशन करें, और मैंने सारे इम्पोर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शंस में लगा दिए हैं।